आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक ब्रिज के बारे में। ये क्लास 6 के स्टूडेंट हैं अभय तोमर एंड कुलदीप तोमर। इन्होंने ये हाइड्रोलिक ब्रिज को तैयार किया है, वो किस तरह से वर्क करेगा उसके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा और कैसे काम करेगा, इन्होंने क्या क्या चीजें यूज किया है पहले उसके बारे में बता देते हैं। आप यहाँ पे आइए और इसको दिखाते हैं इसमें इन्होंने क्या क्या यूज किया है। कम यहाँ से देखिए, इन्होंने यहाँ पे इसका थर्माकोल का यूज किया है, जिसमें थर्माकोल में इन्होंने ये आपका ब्लू गंग से इसको पेस्ट किया गया है। यहाँ पे इन्होंने दो इंजेक्शन का यूज किया गया है, यहाँ पे एक इंजेक्शन लगा हुआ है और इधर दिखा दीजिए, यहाँ पे एक इंजेक्शन का यूज किया गया है। जब इसमें प्रेशर लगाएंगे ये तो यहाँ से ये ऊपर होता जाएगा। ये उस टाइप का एक ब्रिज है जो कि आपका लंदन में है, टॉवर ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और एक रामेश्वरम में भी एक ब्रिज है वो भी है, तो उसी ब्रिज के बेसिस पे ये वर्क करेगा। किस तरह से वर्क करेगा चलिए हम आपको दिखाते हैं। अभी ये दोनों के दोनों इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करेगा। हाँ, अभी आप स्टार्ट करेंगे और दिखाएंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। यस स्टार्ट, यस। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका उन्होंने इधर प्रेशर लगाया, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं कि ये किस तरह से ऊपर जा रहा है और किस तरह से नीचे आ रहा है ना। एक बार और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इनकी क्रिएटिविटी, इन दोनों स्टूडेंटों ने कितनी अच्छी क्रिएटिविटी की है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरा ब्रिज उन्होंने टॉवर ब्रिज, और आपका रामेश्वरम में भी आप अगर उधर जाओगे आप तो आपको इस तरह का ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। इनकी इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से इन्होंने इतना अच्छा इसका यूज़ किया है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कम खर्चे में वाली चीज़ है। और इनके इस हुनर को देखते हुए आगे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अब मैं अपने बच्चों को इस तरह से इंस्पायर करना चाहिए कि वो इस तरह की क्रिएटिविटी करते रहें, जिससे कि वो अपना माइंड यूज़ करेंगे तो इन फ्यूचर वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बार पास से और दिखा देते हैं आपको, ये पूरा उन्होंने रोड की शेप दी हुई है, ये पूरा रोड बना के दिखाया है इन्होंने, ये पूरा ब्रिज उन्होंने तैयार किया है, ये रोड की शेप है इसकी। यहाँ से इसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने इस डस्टर का यूज़ किया हुआ है, और एक लास्ट बार और दिखा देंगे इनको। हाँ, एक बार और दिखा दीजिए। हाँ देखिए, अभी इसको डाउन करिए। थैंक यू।